नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज चुनाव विकास और समीकरण में आपका स्वागत है। मैं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग ग्राम पंचायत राज रढ़िया में और हमारे साथ हैं यहाँ से स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रामबाबू मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पहला सवाल होगा, राजद से विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री तथा कथित पार्टी के तथा कथित शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का जो बयान रामचरित्र मानस को लेकर आया है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे पंचायत की तरफ से, हमारे पंचायत में। और जहाँ तक रही बयानबाजी की बात, तो हमारे माननीय चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनको सबसे पहले ये चीज़ समझना चाहिए कि उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग रामचरितमानस के लिए किया है, तो रामचरितमानस ना सिर्फ चंद्रशेखर के लिए है और ना सिर्फ मेरे लिए है, वो एक सनातन का सभ्यता है, सनातन का एक मतलब हम लोगों का आदर्श है रामचरितमानस। और रामचरितमानस को पहले वो पढ़ें, फिर उसके बारे में उसके ऊपर जो टिप्पणी देना होगा वो टिप्पणी देंगे। और बात रही मुद्दे की, तो चंद्रशेखर जी के पास बिहार में वैसे भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार सरकार में लंबित पड़े हुए हैं, उनके ऊपर उनको काम करना चाहिए। वो प्रशासन में है, वो ऑलरेडी सत्ता में है, उनको उस चीज के ऊपर सोचना चाहिए, उसके ऊपर बात करना चाहिए। शिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सब चीज, हॉस्पिटैलिटी है, उसके ऊपर उनको बात करना चाहिए। रामचरितमानस का मुद्दा ये आम जनमानस के साथ और आम जनमानस के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। और मैं घोर विरोध और घोर निंदा करता हूं चंद्रशेखर के इस बयान का। उनको सार्वजनिक रूप से जनता में माफी मांगनी चाहिए और उनको सबसे यह चीज दोबारा कहना चाहिए कि रामचरितमानस सिर्फ चंद्रशेखर का और सिर्फ हमारा नहीं है, उससे जन जन प्रभावित है। और इसके ऊपर उनको सोच समझ के जो भी मतलब कि भाषण वो दिए हैं या जो भी बात बोले हैं, वो सोच समझ के बोलना चाहिए और वो जनता से माफी मांगे। और हम राष्ट्रीय जनता दल के, वो चूंकि कार्यकर्ता है और विधायक है, हम राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान से भी यह आग्रह करेंगे कि आप उनके ऊपर संज्ञान लें कि इस प्रकार का निंदनीय भाषण और अभिभाषण उनके द्वारा ना हो। दूसरा चीज की आज कुछ दिन पहले मोतिहारी के हाई कोर्ट में यहां से कुछ विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कर्ता लोग, उन पे केस PIL दर्ज किया है रामचरितमानस के अपमान को लेकर, तो क्या लग रहा है न्यायालय के द्वारा न्याय होगा इस मुद्दे पे? देखिए, माननीय न्यायालय के ऊपर तो सबको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट्रियन सिस्टम का एक सबसे मजबूत स्तंभ है न्यायालय। और हमको पूरी उम्मीद है कि अगर न्यायालय में मामला लंबित है, न्यायालय में मामला गया है, तो वहां से जो भी होगा वह स्वच्छ होगा और चंद्रशेखर जी को निश्चित रूप से दंड मिलेगा माननीय न्यायालय की तरफ से। चंद्रशेखर एक शिक्षा मंत्री है, उसके साथ साथ बिहार की जो शिक्षा है आज इतनी चौपट होती जा रही है, तो बिहार के चौपट शिक्षा पे उनका ध्यान नहीं हो के रामचरितमानस और महाभारत जैसे जो पाक ग्रंथ है हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के, इस पे उन्होंने वार करने का प्रयास किया। दूसरा कि उन्होंने कहा कि ढोल गंवार सूत्र पशु नारी ई ताड़न के अधिकारी, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि वो ऑलरेडी सत्ता में है, उनकी सरकार है, तो बहुत सारा लाखों प्रकार का ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर वो काम करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अब वो तो खुद शिक्षा मंत्री हैं और बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, है कि नहीं है? खिचड़ी तक सीमित होकर सारा स्कूल रह गया है। तो वो सबसे पहले जिस विभाग में है उस विभाग को तो आदर्श बनाए, फिर उसके ऊपर हमारे धर्म ग्रंथ के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर वो बोलने जाए। पहले आप सबका फर्ज ये होना चाहिए कि आप जो सबसे पहले कर रहे हैं वो चीज बेहतर करिए, फिर आप किसी को संदेश दीजिए। तो आप अपना काम खुद कर नहीं रहे हैं, आए बेफजूल बेमतलब का आप राजनीति कर रहे हैं रामचरितमानस के ऊपर या महाभारत के ऊपर, गीता के ऊपर, ये सब चीज क्या है? धर्म, देखिए, हम एज ए पंचायत प्रतिनिधि, मैं निचले तबके को रिप्रेजेंट करता हूँ, सबसे मतलब निचला इकाई है हम लोगों का पंचायत। हम किसी भी प्रकार का धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या क्रिश्चियन लोगों का धर्म हो, हमें क्या अधिकार है किसी के धर्म पर टिप्पणी करने का? जब हम किसी को टच नहीं करते हैं तो हमको भी किसी को, हमारे ऊपर किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और माननीय चंद्रशेखर जी से हम ये कहेंगे कि आपके लिए सबसे उत्तम होगा आप जनता से माफी मांगें, क्योंकि आपने ऐसे ग्रंथ को मतलब उसके ऊपर टिप्पणी करी है जिससे आम जनमानस एक एक आदमी प्रभावित है, और आपके लिए बेहतर होगा आप सारे जनता से माफी मांगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से क्या अपील करेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हम यही अपील करेंगे कि ये जो बयान आया है हमारे शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी का, आप सत्ता के शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं और वो आप ही के अंडर में काम कर रहे हैं, तो इस तरह का जो बयानबाजी आपके, चूंकि वो आपके पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन हैं तो आप ही के मतलब सिस्टम में, आप इसका कंटेम्प्ट करें
और उनके ऊपर जो भी उचित दंडात्मक कार्रवाई होता है आप लोग करें, और चंद्रशेखर जी को कहें कि वो सार्वजनिक रूप से हमारे सारे जनता से माफी मांगे। और मैं इस चीज का घोर विरोध करता हूं कि उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर जो कमेंट किया है वो शब्द उनको वापस लेना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। चंद्रशेखर के इस बयान के बाद पूरे बिहार में, बिहार की जनता में जो है एक आक्रोश दौड़ गई है और एक आक्रोशित जनता जो है आज फिर से अपने इस आवाज को बुलंद करने में लगी है।